नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है सुल्तानपुर से। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, मुख्य सचिव ने की बैठक, जिलों के सीडीओ और अधिकारियों की बैठक हुई, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। आजादी का अमृत महोत्सव गर्व की बात, 75 सालों में भारत बना मजबूत। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सुल्तानपुर से, जहां पर मुख्य सचिव ने बैठक की है। जिलों के सीडीओ और अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में आजादी का अमृत महोत्सव गर्व की बात, उन्होंने कहा 75 जिलों में भारत बना मजबूत। 75 सालों में भारत मजबूत बना है, इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। सुल्तानपुर से मुख्य सचिव ने बैठक की है, जिलों के सीडीओ और अधिकारियों की बैठक हुई है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। आजादी का अमृत महोत्सव गर्व की बात और 75 सालों में भारत मजबूत बना है, ये कहना है मुख्य सचिव का। तो मुख्य सचिव ने बैठक की और आपको बता दें कि जिलों के सीडीओ और अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। आजादी का अमृत महोत्सव गर्व की बात, मुख्य सचिव ने कहा कि 75 सालों में भारत मजबूत बना है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। सुल्तानपुर से मुख्य सचिव ने बैठक की, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। आपको बता दें कि जिलों की सीडीओ और अधिकारियों की ये बैठक रही। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा एक युवक, जल विभाग में कार्यरत है ये युवक और पुलिस ने समझा बुझाकर इसको नीचे उतारा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर नशे में धुत एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जल विभाग में कार्यरत है यह युवक, पुलिस ने फिलहाल इसको समझा बुझाकर नीचे उतारा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ से है ये खबर, जहां पर नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा एक युवक। बताया ये जा रहा है ये युवक नशे में धुत था और मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जल विभाग में कार्यरत है ये युवक, फिलहाल पुलिस ने इसको समझा बुझाकर नीचे उतारा। ये तस्वीरें आपको दिखा दे रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, मोबाइल टावर की ये तस्वीरें। नशे में धुत ये शख्स टावर पर चढ़ा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ से, नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, जल विभाग में कार्यरत है ये युवक, फिलहाल पुलिस ने इसको समझा बुझाकर नीचे उतारा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, युवक जो कि नशे में धुत है टावर पर चढ़ा, जल विभाग में कार्यरत है ये युवक। आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल इसको समझा बुझाकर नीचे उतारा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर नशे में धुत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जल विभाग में कार्यरत है ये युवक, पुलिस ने इसको समझा बुझाकर नीचे उतारा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर एक जल विभाग में कार्यरत युवक नशे में धुत मोबाइल टावर पर चढ़ गया, फिलहाल पुलिस ने इसको समझा बुझाकर नीचे उतारा। चलिए अब खबर हमीरपुर से है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय बरगवा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिस वजह से मवेशी स्कूल में आकर गंदगी फैलाते हैं, बच्चों को स्कूल में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने विभाग को लिखित में सूचना दी है, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई
नहीं हो रही है। तो हमीरपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बिगेना गांव से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हमीरपुर से, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय बरगवां में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिस वजह से मवेशी स्कूल में आकर गंदगी फैलाते हैं, बच्चों को स्कूल में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने विभाग को लिखित में सूचना दी है, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हमीरपुर से ये तस्वीरें उच्च प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिस वजह से मवेशी स्कूल में आकर गंदगी फैलाते हैं। हमारे स्कूल में बाउंड्री नहीं है, जानवर आते हैं और गोबर आते हैं, और मतलब खेलने में भी दिक्कत होती है, सुविधाएं भी नहीं है, कुछ ग्राउंड गंदा हो जाता है। समस्या विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या यही है कि विद्यालय की बाउंड्री वॉल नहीं है, तो 90 मीटर के लगभग शेष है अभी बाउंड्री वॉल, तो जिसके कारण अन्ना मवेशी जो है ना विद्यालय में आकर के बैठ जाते हैं तो पूरा गंदा कर देते हैं। और सफाई कर्मी है, अभी जब से विद्यालय खुले हैं 16 जून से, तो 16 जून से अभी तक सफाई कर्मी एक भी बार विद्यालय नहीं आया है। लुलु मॉल में बिना अनुमति नमाज पढ़ने वाले लोगों की गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी राजेश श्रीवास्तव का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा अपर पुलिस उपायुक्त ने, आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 19 जुलाई 2022 को थाना सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस इंस्पेक्टर श्री शैलेंद्र गिरी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए सर्वेलेंस एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर काम करते हुए इन्होंने दिनांक 14 तारीख को सुशांत गोल्फ सिटी में ही लुलू माल के मैनेजर सिप्तेन हुसैन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था 362/22, उस मुकदमे में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ पंजीकृत हुआ था, जिन लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर लुलू माल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के तहत चिन्हित किया गया, उनको जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। मॉल में नमाज और हनुमान चालीसा का विवाद बढ़ता जा रहा है। अयोध्या के महंत परमहंसदास लुलू मॉल में शुद्धिकरण के लिए पहुंचे थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई है। उस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि यहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, इसलिए शुद्धिकरण करेंगे। हिरासत में लिए जाने के बाद परमहंस आचार्य ने आरोप लगाया कि वो भगवा कपड़े पहनकर आए, इसलिए उन्हें रोका जा रहा है। जगतगुरु परमहंस आचार्य को हिरासत में लिए जाने के बाद लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार और संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मौर्या फोर्स के साथ लुलू मॉल पहुंचे और वहां हालात का जायजा लिया। माल जो है कहना है पवित्र होगा। लुलू माल में जिस तरह से यहाँ अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई, उसको लेकर के हम आए हैं देखने के लिए क्या स्थिति है, इसका जो है वेद मंत्रों से शुद्धिकरण करेंगे। कोई भाई मीडिया की प्रतिक्रिया होती है, अगर ऐसा पहले न किया गया होता तो स्थिति न पैदा होती, तो इसलिए लुलू माल में यहाँ वेद मंत्र पढ़ के हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। तो लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज और हनुमान चालीसा का विवाद अब बढ़ने लगा है। अयोध्या के महंत परमहंस दास लुलू मॉल में शुद्धिकरण के लिए पहुंचे थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी खबर गोंडा से, इंद्रदेव के खिलाफ शिकायत पत्र निकला फर्जी। शिकायती पत्र पर तहसीलदार के हस्ताक्षर फर्जी हैं।
तहसीलदार ने मामले में दर्ज कराया मुकदमा। बारिश न होने पर इंद्रदेव के खिलाफ शिकायत की गई थी, शिकायत पत्र हुआ था वायरल। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, गोंडा से इंद्रदेव के खिलाफ शिकायत पत्र फर्जी निकला। शिकायती पत्र पर तहसीलदार के हस्ताक्षर फर्जी निकले। तहसीलदार ने मामले में दर्ज कराया मुकदमा। बारिश न होने पर इंद्रदेव पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। लुलू मॉल, फिलहाल आपको बता दें कि गोंडा से ये बड़ी खबर है, इंद्रदेव के खिलाफ शिकायती पत्र निकला फर्जी। शिकायती पत्र पर तहसीलदार के हस्ताक्षर फर्जी निकले। तहसीलदार ने मामले में दर्ज कराया मुकदमा। बारिश न होने पर इंद्रदेव के खिलाफ शिकायत पत्र वायरल हुआ था और जो कि अब फर्जी निकला है। इंद्रदेव के खिलाफ शिकायती पत्र फर्जी निकला, गोंडा से ये बड़ी खबर। शिकायती पत्र पर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी फर्जी निकले। नहीं, तहसील दिवस के दिन जो है एक प्रार्थना पत्र वायरल हुआ है सुमित कुमार यादव के नाम सर नाम से, और ऊपर उस पर अग्रसारित करके तहसीलदार का सिग्नेचर भी बना है। तो जब वो पत्र हमारे वायरल पत्र संज्ञान में आया तो उसको देखा गया तो पता चला कि उस पर जो हमारे सिग्नेचर बने हैं वो पूर्णतः फर्जी है। और इस नंबर पे जो 784 सीरियल नंबर उस प्रार्थना पत्र पर लिखा है, इस सीरियल नंबर पर दूसरा प्रार्थना पत्र यहाँ पर प्रस्तुत था। उस प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु दूसरी है, उसको सीओ कर्नलगंज द्वारा एसएचओ कर्नलगंज को जांच करके आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। बदायूं में करणपुर गांव के सदबी नाम के एक युवक ने सोशल साइट पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जिसको लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल युवक ने कांवड़ियों को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनका मजाक उड़ाया है। तो वहीं करणी सेना के जिला अध्यक्ष सुमित कुमार देवा ने बताया कि वो पहले भी ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट करता आया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देखिए, वामपंथियों द्वारा और राष्ट्र विरोधी लोग, धर्म विरोधी लोग जो सनातन धर्म को हर तरह से टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, एक उनकी पूरी यूनिटी के द्वारा ऐसा आए दिन किया जाता है। और एक सत्यवीर वीर नाम का जो लड़का थाना उगैती क्षेत्र में ग्राम करणपुर का रहने वाला है, उस लड़के ने पहले भी ऐसी हिंदू विरोधी पोस्टें की हैं और आज फिर उसने कांवड़ियों को लेकर के और काली माता को लेकर, दुर्गा माता को लेकर के विवादित पोस्ट की। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुला पर की हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, कैसे समझाएंगे, ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबा केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान एआरबी बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। राशन की सेवा फ्री देकर धन्य हुए सरकार, ये हर गरीब के होंठों से बस दुआ मिली हर बार, ये सबके साथ खड़े हैं, सबको लेकर बड़े हैं, 100 दिन विश्वास के, यूपी की खिलती आस के। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन।
Look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, three easy. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गोंडा से बड़ी खबर है, दुष्कर्म का आरोप निकला बेबुनियाद। महिला ने ट्वीट पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप, सास ने बहू को किया था संपत्ति से बेदखल होने पर बहू ने रची थी साजिश। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रेप दुष्कर्म का आरोप जो है वो बेबुनियाद निकला। जेठ पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। गोंडा से ये बड़ी खबर, दुष्कर्म का आरोप निकला बेबुनियाद। महिला ने जेठ पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप, सास ने बहू को किया था संपत्ति से बेदखल होने पर बहू ने ये साजिश रची और जेठ पर आरोप लगाया दुष्कर्म का। हालांकि ये आरोप बेबुनियाद निकला। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दुष्कर्म का आरोप बेबुनियाद निकला। मेरे भाई की औरत जो है तो बहुत परेशान कर रही है, कहूँ छेड़खानी मुकदमा लिखा रही है, कहूँ कहते फांसी लगाए, उनको बांट कर हमने अलग कर दिया है। गांव वाले पंचायत को बुलाकर उनको अलग करा दिया गया, तभी भी मान ना रही है। मुकदमा हमारे ऊपर छेड़खानी का लिखाने का प्रयास कर रही है। नाजायज हमारे पति को ममता ने फंसा रखा है। क्या नाम है आपके पति का? राजेश। क्यों फंसा रही है? फंसा रही है, नाजायज फंसा रही है। सास को हमने मारती पीटती थी तो उन्हें अलग कर दिया, बेदखल कर दिया, कागज से हर एक चीज से बेदखल कर दिया। और के बाद में बेदखल कर दिया तो नाजायज हमारे पति को फंसा रही है। महिला का आरोप है कि राजेश ने हमारे साथ छेड़खानी किया है, एक गलत आरोप है। जैसे कि ये जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है वो आदमी उस समय हमारे ही घर पर कम से कम 5-6 लोग थे। ये लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं, डेली का लॉकडाउन है तो लमसम 11:30-12 बजे तक हमारे यहाँ डेली का मतलब हम लोग जाते हैं और आपस में बैठ करके बातों के पर चर्चा होती है। क्या दिन की घटना है, रात की घटना? नहीं, रात की घटना है। चलिए अब खबर हमीरपुर के विघना गांव से है, जहां पानी की टंकी में काम कर रहे मजदूरों के साथ उनके फोरमैन ने धारदार हथियार से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं गंभीर हालत होने के कारण किसी तरह उसके साथियों ने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मजदूरों का कहना है कि उनका मजदूरी का पैसा फोरमैन मनवीर नहीं दे रहा था। वहीं मंगलवार को फोरमैन ने दो मजदूरों को काम के बहाने से टंकी पर चढ़ा लिया और इस वारदात को अंजाम दिया। बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, दोनों पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। हमले में ग्राम प्रधान समेत 3 घायल बताए जा रहे हैं, घायलों को कराया गया है अस्पताल में भर्ती। पीड़ित पक्ष के एसडीएम और तहसीलदार पर आरोप, झगड़े के दौरान भागने का आरोप। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर है, दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। हमले में ग्राम प्रधान समेत 3 घायल हुए, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पीड़ित पक्ष के एसडीएम और तहसीलदार पर आरोप, झगड़े के दौरान भागने का आरोप। तो ये बड़ी खबर बुलंदशहर से, दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामला है सरकारी चकड़ूर के ऊपर झगड़ा, तहसीलदार एसडीएम साहब आए थे निकालने और
उन्हीं के सामने झगड़ा हुआ। कैसे झगड़ा हुआ, क्यों, किस बात को लेकर झगड़ा? झगड़ा हुआ है चक्रो निकालने के ऊपर, एक उसने 119 नंबर है खाते गड्ढे में जमीन दर्ज उसके ऊपर। बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, बिजली कर्मी का वीडियो वायरल हुआ है, अवैध वसूली का ये वीडियो वायरल हुआ है। विभाग के नाम पर गांव में कर रहा था उगाही, मीटर लगाने के नाम पर पैसों की वसूली के आरोप है। ग्रामीणों ने बिजली कर्मी का वीडियो किया वायरल, बुलंदशहर के गांव सुरजावली का ये वीडियो बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बिजली कर्मी का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर है, बिजली कर्मी का वीडियो वायरल, अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल विभाग के नाम पर गांव में कर रहा था उगाही, मीटर लगाने के नाम पर पैसों की वसूली के आरोप है। इस पर बुलंदशहर के गांव सुरजावली का है ये वीडियो। बाराबंकी के चिलोकपुर चौकी इंचार्ज कन्हैयालाल पांडे का 10,000 रुपए का घूस लेते हुए एक फोटो वायरल हो रहा है। फोटो में साफ देखा जा सकता है कि चौकी इंचार्ज कन्हैयालाल पांडे चौकी परिसर में कुछ लोगों से बात करते हुए रिश्वत की पैसे बड़े आराम से गिन रहे हैं। जब इस फोटो में आप देख सकते हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये वीडियो वायरल हो रहा है, रिश्वत लेते ये वीडियो वायरल। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, रिश्वत लेते पकड़े गए पुलिसकर्मी, एसीओ की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा महिला दरोगा अंजलि दुबे ने मांगी थी घूस, 30,000 रुपए की मांगी थी घूस। राहुल शुक्ला को 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया, पूर्वी जोन के बीबीडी थाने में तैनात पुलिसकर्मी। तो रिश्वतखोरी का है ये मामला, रिश्वत लेते पकड़े गए पुलिसकर्मी, महिला दरोगा अंजलि दुबे ने मांगी थी घूस, 30,000 रुपए की मांगी थी घूस। बड़ी खबर, घूसखोरी का ये मामला, रिश्वत लेते पकड़े गए पुलिसकर्मी। लखनऊ से बड़ी खबर, एसीओ की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा महिला दरोगा अंजलि दुबे ने मांगी थी घूस। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, आरटीओ विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की गई, आरटीओ विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, लखनऊ से बड़ी खबर, स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई। बिना फिटनेस चल रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, चार वाहनों का हुआ चालान, अन्य पर और कार्रवाई। आरटीओ विभाग की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ से बड़ी खबर, स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई हुई। बिना फिटनेस चल रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान, कई वाहन चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हुए, चार वाहनों का हुआ चालान। बड़ी खबर आपके सामने, आरटीओ विभाग की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ से बड़ी खबर, स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की गई। बिना फिटनेस चल रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान, कई वाहन चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हुए, चार वाहनों का हुआ चालान, दो को किया। बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर में मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में कई बड़े बड़े झूले लगाए गए हैं,
हर दिन हजारों लोग इस मेले में आते हैं और मेले में आने वाले लोगों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं होती हैं। वहीं इस मेले में लगे झूले को देखकर बच्चे आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन इन झूलों के डब्बों में किसी प्रकार का कोई लॉक सिस्टम नहीं है, इसलिए झूलों के डब्बों के दरवाजे भी पूरी तरह से खुले हुए हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।